नमस्कार, केपी किचन में आपका स्वागत है। आज हम मसाला खिचड़ी बनाने जा रहे हैं, जो कि स्वामीनारायण मंदिर का प्रसाद है। वहाँ पर प्रसाद के रूप में इसको दिया जाता है। जय श्री स्वामीनारायण। आइए हम खिचड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हमने एक बड़ा बाउल चावल लिए हैं खिचड़ी के लिए। एक छोटे कप छोटी बाउल हमने तुअर की दाल ली है। एक बाउल हमने मूंग की दाल ली है, ये 1/3 बाउल के करीब है। और एक बाउल हमने मसूर की दाल ली है। अब इन सब दालों को अच्छे से धोकर हम साफ करेंगे। ये अदरक हरी मिर्ची को हमने कूट के रखा था, 2 हरी मिर्ची और थोड़ा सा 1 इंच अदरक का टुकड़ा, ये अब हम इसमें डालेंगे। थोड़े से टमाटर हमारे नरम होंगे, चलाते रहेंगे। ये बहुत ही सात्विक होती है और टेस्ट में भी बहुत अच्छी रहती है। इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, प्रोटीन होता है, इसमें आयरन होता है, तो ये खिचड़ी हमारे सेहत के लिए बहुत ही अच्छी रहती है। ये देखिए, हमारे टमाटर थोड़े गल चुके हैं, टमाटर हमारे हो चुके हैं। इसमें हमने 1/2 चम्मच सीका जीरा पाउडर डाला है, 1-2 चम्मच हम इसको धनिया पाउडर डालेंगे, 1/2 से थोड़ी कम 1/4 चम्मच हम इसमें हल्दी डालेंगे, 1 चम्मच हम लाल मिर्ची का पाउडर डालेंगे। कई ये कश्मीरी लाल मिर्च है, इसका कलर लाल होता है लेकिन खाने में ये तीखी नहीं होती है। अब हम इसमें ये सब सब्जियां डालेंगे, गोभी ली है हमने, गोभी को डालेंगे, आलू डालेंगे, ये हरी मिर्च ली है लंबी वाली, ये शिमला मिर्च ली है और ये गाजर ली है। जितनी भी सब्जी आपने पास है अपन डाल सकते हैं इसमें, जैसे कि हमारा कलरफुल खिचड़ी बनेगी। तो कलरफुल रहता है तो खाने में अच्छी लगती है, दिखने में भी बढ़िया लगती है। इसमें डाल देंगे, ये थोड़ा सा हमने इमली और गुड़ का पल्प बना के रखा था, वो भी हम इसमें डाल देंगे। बस अब इस खिचड़ी को अभी हम होने देंगे, इसको थोड़ा सा मीडियम आंच पर हम रखेंगे। ये खिचड़ी बनने में हमको 1/2 घंटा लगता है, इसको पकने में 1/2 घंटा लगता है। इसकी हमारी खिचड़ी
पककर तैयार हो गई है। अब हमने गैस बंद कर दिया है और इसको हमने बीच बीच में चलाया था और इसको हमको ढककर पकाना है मीडियम आंच पर, तभी हमारी खिचड़ी अच्छे से पकेगी। ये पैन में हमने तड़का लगाने के लिए आधा चम्मच घी लिया हुआ है शुद्ध घी। इसमें हम ये एक टमाटर को मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काट के डाला हुआ था, ये बड़ा ये टमाटर डाल दिया इसमें। टमाटर को हम थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक चलाएंगे। ये स्वामीनारायण की मंदिर की खिचड़ी में तड़का नहीं डालता है, लेकिन ये क्या ये मैं डाल रही हूँ इसमें, इससे इसकी खूबसूरती और बढ़ जाएगी और इसका टेस्ट भी और बढ़ जाएगा, इसलिए हम इसमें ये तड़का डाल रहे हैं। इसमें आप मूंग की धुली हुई दाल भी ले सकते हैं। तो मीठी नीम और हरा धनिया से इसको गार्निश कर सकते हैं। मेरे पास अभी मीठी नीम और हरा धनिया नहीं है, ये आप लोग इसमें इसको डाल सकते हैं। इस तड़के को हम ये खिचड़ी के ऊपर डालेंगे। ये हमारी खिचड़ी बनकर तैयार हो गई है स्वामीनारायण जी के प्रसाद के लिए, और हम इसको अचार के साथ कढ़ी के साथ इसको परोस सकते हैं, खा सकते हैं। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए, और यदि मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।